हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बेस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। अभी आपका एग्जाम आ ही रहा है 8 जून को, तो जैसे आज आपके 7 मई है, 7 जून तक पर्टिकुलर एक महीना 30 डेज है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपकी यूट्यूब पे रहेगी और यूट्यूब पे है तो सब बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि हर सेशन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है मेरी तरफ से, तो आपको हर एक सीरीज़ से, अगर हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं लाइक फिजिक्स की है, उस पर्टिकुलर सीरीज से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम में आएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रही, बट एक क्वेश्चन आपको रिलेटेबल लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे भी मुझसे बोल रहे हैं कि दी, अगर हम अभी नीट देख के आए हैं, हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, 30 डेज आपके पास में हैं, टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। कहीं से भी ज्वाइन करो एम्स बेस नर्सिंग से रिलेटेड। जैसे बैच में मैं क्या करती हूँ, 2 टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ, एक सुबह आता है, एक शाम में आता है। सुबह जो टेस्ट होता है बच्चे उसको देते हैं, ठीक है, उससे नोट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सिलेबस पूरा नहीं होगा। मैं ना 0 से लेके चलती हूँ। लाइक अगर मान लो मैं हूँ, मैंने पेपर सॉल्व किया, मेरे फिजिक्स में 50 क्वेश्चन मैं देती हूँ, 50 केमिस्ट्री के होते हैं और 100 बायो के होते हैं एक टेस्ट में, बट मेन पेपर में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब मान लो मेरे 50 क्वेश्चन में से मेरा बिल्कुल 0 लेवल है और मुझसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और बाकी मुझसे सॉल्व हुए ही नहीं, बट मैं क्या करूँगी, 50 क्वेश्चन को एनालाइज करूँगी, रिवाइज करूँगी, नोट्स बनाऊँगी, देन क्या करूँगी, रिवाइज करके जो शाम वाला मॉक टेस्ट उसको दूँगी। उसमें जैसे अगर आपका फर्स्ट जो आपने सुबह मॉक टेस्ट दिया है उसमें अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो आप इंप्रूवमेंट देखोगे आपके नोट्स के हेल्प से। आप जो सॉल्व करोगे अगला टेस्ट, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली होंगे, मतलब कि 1 क्वेश्चन का भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे तो 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। दूसरे मॉक टेस्ट में आप 1 क्वेश्चन और आगे बढ़े हो, जब नेक्स्ट डे उन दोनों को एनालाइज करके दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करके करोगे थर्ड डे, तो आप लोगों को देखोगे कि आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो थर्ड टेस्ट में। फिर ऐसे शाम वाले 4 टेस्ट में आप 7-8 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पे पहले सिलेबस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास में कि आप पहले सिलेबस पूरा करो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आप टेस्ट ज्वाइन करो, फिर आप पेपर दो, इतना टाइम नहीं है। अभी आपको डायरेक्ट ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जिससे कि, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो। सो आई होप ये चीज़ें माइंड में हिट करी होंगी। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 20 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ऑब्वियसली, ठीक है। फिर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो कल से हम 30-30 क्वेश्चन PCB से करेंगे और 10 क्वेश्चन GK के, यानी पूरे 100 मार्क्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा सही रहता है इस वीडियो में कि हाँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ज़रूर बताना कि आप लोगों को हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डेमो जो टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें 7 से 8 आपके टेस्ट हैं, तो वो फ्री हैं, वो सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लो, जितने भी हैं जिन्होंने नीट दिया है, नहीं दिया है, अपना ये टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट कर लो, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। अभी ये टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि दी, जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ NCERT भी हैं, तो ऑब्वियसली देखो, एम्स है, एम्स ने अपना खुद का सिलेबस भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है ना साइट पे कि आपका ये सिलेबस आएगा, तो वो क्या है, आउट ऑफ NCERT जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पर्टिकुलर इतना रहेगा। बायो की बात करूँ, बायो में 28 क्वेश्चन तक आपके डायरेक्ट फ्रॉम NCERT होते हैं, बट 2 क्वेश्चन रहते ही हैं जो आपके बाहर से होते हैं, और ये सिर्फ एम्स की बात नहीं करें, हर एक एंट्रेंस में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर स्काई वेव प्रोपगेशन ऑफ अ 10 हर्ट्ज़ सिग्नल, व्हाट शुड बी द मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयनोस्फीयर। यहाँ पे हमसे पूछा है कि हमारी मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी अगर हमारी स्काई वेव प्रोपगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी दे रखी है। हमारा फॉर्मूला होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव फॉर रिफ्लेक्शन, क्या होता है हमारे पास में, FC क्या है हमारा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जो 9 × n max की पावर 1/2 होता है। अब ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू गिवन है 10। उसके बाद में हमें ये हमसे पूछा है एन मैक्स क्या होगी। अब यहाँ पे बच्चे बोलोगे दीदी यहाँ पे तो मिनिमम पूछी है, बट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये यहाँ पे आपका मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि आप लोग, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखो। अगर मान लो आपका ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया बट सॉल्व नहीं हुआ, ऑब्वियसली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो अपने इस नोट्स में मेंशन कर लो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट्स इज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट, कौन सा यहाँ पे यूनिवर्सल है। सबको पता है एंड और हमारा, नैंड और हमारा नोर गेट क्या है,
नैंड और नोर, ये दोनों गेट्स क्या हैं हमारे, यूनिवर्सल हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोर अगर यहाँ पे होता दोनों ऑप्शन हम करेक्ट करते। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल एट द एयर कॉर्ड इंटरफेयर्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इफ एन वन एंड एन टू आर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द कोर एंड द क्लैडिंग रिस्पेक्टिवली। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कोर ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। कोर ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल डायरेक्टली याद रखो, अगर हमारे एन वन एन टू का केस दे रखा है तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू का स्क्वेयर, ये डायरेक्टली ही याद आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चन को आप बोलोगे दीदी ये तो बहुत अटपटे क्वेश्चन है, अब मैं ये भी नहीं बोलती कि इतना इजी पेपर आएगा कि आप एफ इजिकल टू एम ए करके सॉल्व करके आओ। अब ये सारे क्या हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे कोर ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को जब आप दूर से रीड करोगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि इसमें तो साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है, मुझसे तो सॉल्व होगा ही नहीं, है ना। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें माइंड में ना सोचो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Consider an NPN transistor amplifier in the common emitter configuration. The current gain of the transistor is 100. Current gain को हम कैसे लिखते हैं, IC. If the collector current changes by 1 mA, what will be the change in emitter current? तो emitter current में क्या change हमारा आएगा। So यहाँ पर current gain हमारे पास में सबसे पहले लिखेंगे, current gain क्या होता है, IC/IB, ये आपका कलेक्टर करंट होता है, ठीक है। करंट गेन हम इसको नहीं बोलेंगे, ये कलेक्टर करंट हम होगा, ठीक है। तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, IC/IB, कलेक्टर करंट और अपॉन में बेस करंट, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, कितना चेंज हम कर रहे हैं, हमारे पास IC गिवन है, हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। देन हम क्या निकालेंगे, हमारे पास में क्या गिवन है, व्हाट विल बी द चेंज इन द एमिटर करंट, एमिटर करंट में क्या चेंज आएगा। तो करंट जो एमिटर वाला है वो हम लिखेंगे, ये क्या होता है, IB प्लस चेंज इन IC, IB यहाँ से निकल जाएगा, IC दे रखा है, IE निकालना है, ठीक है, आई होप निकाल लोगे। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं तो यहाँ पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दोगे तुम लोग, ये तो हमें आता ही नहीं, बड़ा ही अलग क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ चेक करोगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, अपने पे, उसमें आप पीछे जाओगे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे 19 की वीडियोज़, तो उसमें आप देखना इस क्वेश्चन को, ओके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप हैज एन, अब यहाँ पे टेलीस्कोप का नाम आता है, सोचोगे कि क्वेश्चन तो बड़ा ही मुश्किल है, मुझसे तो सॉल्व होगा नहीं। क्वेश्चन का, टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस विद फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू सी अ 50 मीटर टॉल बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, वट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ अ बिल्डिंग फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। हमसे क्या पूछा है, इन शॉर्ट हमसे क्या पूछी है, हमारी मैग्नीफिकेशन पूछी है, ठीक है। लेंस कौन सा है, यहाँ पर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, IV इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू IV माइनस IU, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है। यहाँ से हम इमेज की डिस्टेंस निकाल लेंगे, V निकल जाएगा, ठीक है। एंड मैग्नीफिकेशन कितना होता है हमारे पास में, V बाई यू, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इमेज ऑफ द बिल्डिंग, हाइट निकालनी है, हाइट यहाँ से निकल जाएगी इमेज की, ये रही, ठीक है, ये और यहाँ चला जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट आपका ये वाला है IF वाला, 1/F वाला, और दूसरा है मैग्नीफिकेशन वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। यू नो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आप सिंपल से ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी माइनस माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारे पास में -13.6 दे रखी है, वो वैल्यू पुट करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉलिड टारगेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर बम्बार्डेड बाय हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट टारगेट्स वेरीज विद एटॉमिक नंबर ZS, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, मोज़लेज़ लॉ के बारे में।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आप इसको देख के भी सोच रहे हो कि तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, हमें तो आता ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा तुम्हें मॉज़ले लॉ पता होना चाहिए। मॉज़ले लॉ क्या कहता है, जेड माइनस सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एफ, एफ इज़ वॉट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वेयर। तो ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, सिग्मा की वैल्यू 1 है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वेयर के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में, दैट इज़ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो हमारे पास में प्लेट्स गिवन है, इसकी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, इन दोनों के बीच में हमने क्या बताना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, नॉर्मली प्लेट का क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट है, यानी कि ये क्या होगा, माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव पुट करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इफ़ इन अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर म्यू सी एंड म्यू एन रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन की और हमारे पास में होल की हमारे पास में क्या गिवन है, मोबिलिटी गिवन है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे लाइटर होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की लाइटर है तो आपकी मोबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज। देखो यहाँ पे अभी आपने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सबकी लैंग्वेज बहुत आपको अलग सी लगी होगी, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, 30 सेकंड का क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं इसी वजह से बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रैदर देन आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो अननेसेसरी हैं, ठीक है। अपने बस एक चीज़ रटो कि आप एक फॉर्मूला शीट रिवाइज कर रहे हो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप अगेन उसका आप एक शॉर्ट टाइम बना रहे हो, देन उसको रिवाइज करके फिर एक टेस्ट दे रहे हो, ये चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बैच के स्टूडेंट को भी यही बोल रही हूँ कि आप लोग यही चीज़ फॉलो करो, इन द एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, आउटपुट आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 30 डेज आर मच मोर इनफ, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ये नहीं कि आप पढ़ भी नहीं रहे हो और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा करोगे तो आराम से वो चीज़ें हो ही जाएंगी। बाकी इतने क्वेश्चन आपने किए हैं प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो टफ है आपसे सोल्व नहीं हुआ। मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए चल रही हूँ कि फिजिक्स का टारगेट रखो 30 में से कि तुम 20 करके आओ, और 20 आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। फिजिक्स की हो गया, केमिस्ट्री में भी अब 20-25 कर लो, ठीक है, बायो में थोड़ा हायर टारगेट रखो 25 का, बायो अपनी अच्छी रखो, कितने हो गए, 65 हो गए। अब 10 मार्क की आपकी जीके आती है, 5 नंबर आ जाएंगे उसमें आराम से, अगर तुम कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तब भी कितने हो गए, 70। डेली एम्स तक तुम आराम से चले जाओगे, बट अगेन क्या चीज़ चाहिए, मेहनत चाहिए, ये आपके एक्यूरेसी में सॉल्व होने चाहिए कि इतने क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके आ रहे हो। कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, जो बच्चा कट ऑफ की वीडियोज़ देख रहा है अभी यूट्यूब पे कि कट ऑफ क्या रहेगी, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एंड तक सिर्फ कट ऑफ की ही वीडियोज सर्च करता रहेगा कि मेरे 55 मार्क्स आए हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे 45 आए हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, ये चीज़ें करो। मैं शॉर्ट वीडियोस रखती हूँ सो दैट आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अभी 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट भी का भी टाइम नहीं होगा आई थिंक, सो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज इतने कुछ क्वेश्चंस हैं भी नहीं, है ना, तो वो आपको करना है। और एंड में मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना है कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सॉल्व हुए हैं, और अगर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग उनको कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि इस पूरे 20 क्वेश्चन में जो करवा रही हूँ, मेरे जितने भी सेशन होंगे, आप हर सेशन में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर सेशन में से। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अकॉर्डिंग टू हबल स्लो द रेड शिफ्ट ऑफ अ रिसेंडिंग गैलेक्सी एंड इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ आर रिलेटेड एज। देखो जो आपका हबल स्लो है वो क्या कहता है, जो हमारा जेड होता है वो एच नॉट इंटू आर होता है। व्हाट इज जेड, ये होती है आपकी रिसेशनल वेलोसिटी, क्या होती है, रिसेशनल वेलोसिटी, और यू कैन से दैट कि आपकी
रेड शिफ्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हबल्स कांस्टेंट है, ये आपकी डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर ऑफन एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर्स ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, ऑब्वियसली रेमबो का फिनोमेना है या फिर ये आपका कलर वाला फिनोमेना, ये किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अब अगर हम बात करें ऑयल की थिन फिल्म है उसके ऊपर अगर कलर फॉर्म हो रहे हैं, वो उसके ऊपर कलर फॉर्म हो रहे हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑब्वियसली फिनोमेना तो वो क्या है, इंटरफेरेंस है, बट वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, थिकनेस ऑफ ऑयल की लेयर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपकी पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी यूनिट है याद होनी चाहिए आपको, डिस्टेंस की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अ 50 हर्ट्ज एसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस आर एंड सी एज शोन इन फिगर, द वोल्टेज अक्रॉस आर इज दिस, द वोल्टेज अक्रॉस सी, हमें वोल्टेज अक्रॉस सी बताना है। सो यहाँ पे आरसी सर्किट है, ये हमारे पास दिख ही रहा है तुम्हें, आरसी सर्किट है, इसके लिए जो वोल्टेज होती है वो हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट वी ऑफ आर स्क्वेयर प्लस वी ऑफ सी स्क्वेयर, रिजल्टेंट हमारे पास गिवन है, ठीक है, आर की गिवन है, सी की पूछी है, वी कैन फाइंड आउट इजिली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखो, इन द गिवन फिगर द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास इतना दे रखा है, इम्पल्स दे रखी है, इम्पल्स हमसे पूछी है और टाइम इतने पे, ठीक है। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, इम्पल्स का और चेंज इन मोमेंटम का, क्योंकि इम्पल्स इज वॉट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, एम इंटू डेल वी, डेल वी क्या होता है, एम इंटू डी आर बाई डी टी, ये आप कर सकते हो, यहाँ से इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, हमें प्रेशर बताना है कितना लग रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी और हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में, सिंपल सा यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इनको रिलेट करके करोगे आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, कौन सा यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड है, इसका आंसर वेरी इजी, ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी वी नोट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ एच, इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इंसान है जो चाहता है कि जो मैक्सिमम हाइट है ट्रिपल हो जाए, ट्रिपल टू द मैक्सिमम हाइट के उसको बॉल फेंकनी है, कि वो जितनी हाइट है उसके ट्रिपल चला जाए, तो हमारी किस वेलोसिटी से उसको फेंकना चाहिए ये हमें बताना है। सो हमारे पास वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस होता है, यहाँ से यू स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। और हमारा पूछा क्या उसने, थ्री ट्रिपल ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की तीन गुना उसको लेके जानी है, तो वो हम एक तो वो चेंज कर लेंगे, तो हमारी वेलोसिटी उसके इसमें हम निकालेंगे, थ्री एस यहाँ पे हम लिखेंगे और यू डैश लिख के और स्क्वेयर कर देंगे, इन दोनों को रिलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, बेसिक मैथ है, निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस सर्फेस शोन इन द फिगर विदाउट ट्रांजिशनल वेलोसिटी वी एम पर सेकेंड, If it is to climb the inclined surface, then velocity should be. यहाँ पे देखो rotational motion भी है, ठीक है, और वो क्या है आपका normal motion से भी वो चल रही है, ठीक है। So यहाँ पे सबसे पहले हमारी kinetic energy normal और उसके बाद में translational जो आपके rotational energy आएगी वो आएगी, ठीक है, rotational kinetic energy, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा कि कितने उसने ट्रैवल कर ली, तो एम जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, आई क्या हो जाएगा, यहाँ किसके केस में पूछा है हमसे, सॉलिड स्फीयर के इसके केस में आई क्या होता है, 2/5 mr² और ओमेगा क्या होता है, v बाई आर ओमेगा स्क्वेयर में है, तो वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा, निकाल लोगे, इज़ वेरी इजी, जस्ट पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, होप आप लोगों को आसान लगा होगा ये सेशन, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कितनों का क्या आंसर है, क्या नहीं है, ठीक है, और कैसा सेशन था, समझ में आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, सो दैट आप लोगों की एंड टाइम पे जो वो है हेल्प हो जाए, ठीक है। अभी मुझे डेफिनेटली बताना है एक बार कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी वीडियो, समझ में आया नहीं आया, और ऐसे सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेस्ट सीरीज से बच्चे ज्वाइन कर लो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।